झारखंड सरकार बेवफा सरकार है, ये हम नहीं कह रहे हैं, न्यूज 11 नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं गुरुजी शिबू सोरेन, जो झामुमो के संस्थापक रहे हैं, शिबू सोरेन के संघर्ष के साथी विधायक लोबिन हेमरम, उन्होंने कई गंभीर आरोप सरकार पर लगा दिए हैं। पहला आरोप तो उन्होंने यही लगा दिया कि अभी तक स्थानीय नीति क्यों नहीं बनी। दूसरा गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया कि स्मार्ट सिटी जो है वो आदिवासियों की जमीन पर बनाई जा रही है, अधिसूचित क्षेत्र में क्यों बनाया जा रहा है। तीसरा जो उन्होंने सबसे बड़ी तीसरी बात कह दी कि उन्होंने टीएससी को फुटबॉल बता दिया। उन्होंने बता दिया कि टीएससी की बैठक एक साल के बाद की गई है, इसके पीछे भी साजिश है। आपको यहां एक बात और बता दें कि भाजपा पहले से जो है टीएससी की मान्यता को रद्द करने की मांग कर रही है, इसको लेकर हाईकोर्ट चली गई है कि टीएससी से गवर्नर को कैसे हटाया जा सकता है, उसके जो ये होते हैं वो गवर्नर उसके अध्यक्ष होते हैं। बहरहाल लोबिन की बात से सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। लोबिन हेमरम ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, 24 नवंबर से 29 नवंबर तक झारखंड सरकार की आपकी सरकार आपके द्वार योजना शुरू होने वाली है, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जिलों के कई प्रखंडों में जाएंगे, सीधे जनता से मुखातिब होंगे। लेकिन लोबिन हेमरम ने कह दिया कि मैं सरकार आपके द्वार का पार्ट नहीं रहूंगा, लोबिन हेमरम सरकार आपके द्वार के पार्ट नहीं रहेंगे। लोबिन कह रहे हैं कि यह जनता को छलने का काम किया जा रहा है। पहले 3.5 लाख जो आवेदन पड़े हैं उसका हिसाब किताब बताए सरकार, उसके बाद बात करेंगे कि सरकार आगे क्या करेगी। पहले के मामले तो लंबित पड़े हैं, नई घोषणाएं आखिर किस खटाई में पड़ेगी इसको देखना बाकी है। देखिए यह रिपोर्ट। फिर अपनी ही सरकार पर बरसे लोबिन हेमरम, टीएसी की बैठक को लेकर साधा निशाना, पूछा आदिवासी जमीन पर स्मार्ट सिटी क्यों, क्यों नहीं बनी अब तक स्थानीय नीति, आपकी सरकार आपके द्वार पर भी सवाल। जयमम विधायक लोबिन हेमरम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बोरियो विधायक ने पूछा कि आखिर इतने साल बाद टीएसी की याद क्यों आई। अभी क्यों टीएससी, उतना दिन तो फुटबॉल बना हुआ था मुख्यमंत्री हाउस और गवर्नर हाउस पे, ये टीएससी को फुटबॉल बना दिया था। एक भी केस ट्राइबल लोगों का टीएससी के द्वारा क्या महामहिम राज्यपाल के पास गया क्या, एक भी केस को कोई बता दे, नहीं गया। तो आज टीएससी की याद आई सरकार को। लोबिन हेमरम ने राज्य सरकार पर सीएनटी एसपीटी एक्ट और पेशा कानून को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप लगाया। लोबिन ने पूछा कि आखिर आदिवासी जमीन पर स्मार्ट सिटी क्यों, क्या स्मार्ट सिटी में आदिवासी रहेंगे। आदिवासी को जमीन पर, मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि आदिवासियों को जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है, कौन लोग वहाँ रहेगा, कौन लोग रहेगा, क्या वहाँ के आदिवासी रहेंगे, क्या कॉर्पोरेट घराने के लोग रहेंगे। स्थानीय नीति को लेकर भी एक बार फिर लोबिन हेमरम ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ना तो अब तक एक भी नियुक्ति कर पाई, ना ही स्थानीय नीति ही बना पाई। एक भी वैकेंसी आपने नहीं निकाला, और यहाँ पर स्टूडेंट ने आंदोलन भी किया, उसको भी आपने संज्ञान में नहीं लिया। स्थानीय नीति आपने नहीं बनाया कि आपने अर्जुन मुंडा की सरकार को इसी स्थानीय नीति के बारे में आपने सरकार गिराने का काम किया था, इसके बावजूद आपको 14 महीना तक सरकार चलाने का मौका मिला, उस समय भी आपने स्थानीय नीति नहीं बनाया और अभी भी तक आप स्थानीय नीति पर बोल नहीं रहे हैं। सरकार तो कह रही है हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अरे रघुवर दास के टाइम का दिया हुआ था, इन लोगों ने कोर्ट से, माननीय कोर्ट ने इन लोगों को दिया, तब उसी को आप बांट रहे हो, उसी को आप बांट रहे हो, अपना पीठ थपथपा रहे हो। जयमम विधायक ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए। लोबी ने पूछा कि पिछली बार कितने आवेदन मिले और उनमें से कितने आवेदन का डिस्पोजल हुआ। क्यों ना? पहले वाला बताया ना कितना आवेदन पड़ा था, पहले बार कितना आवेदन पड़ा, हर जिला में हर पंचायत में कितना कितना आवेदन पड़ा, उसमें कितना डिस्पोजल हुआ, क्या धरातल पर उतरा नहीं उतरा। लोबिन ने दावा किया कि राज्य में सभी विभागों में 3.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। वहीं उन्होंने निजी क्षेत्र में 75% स्थानियों को रोजगार देने के सरकार के वादे पर भी सवाल उठाए, साथ ही कहा कि सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाने पर उन्हें बागी बोला जाता है।
गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाएं अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। सरकार विरोधी बताया जाता है, लेकिन हेमंत सरकार ना तो अपने वादे को पूरा कर पा रही है और ना ही आदिवासियों की जमीन की रक्षा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। अभी आपने सुना कि झामुमो के काफी अनुभवी विधायक, जो गुरुजी के संघर्ष के साथी हैं, झामुमो की संरचना में उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है और अब उनको बागी विधायक बोला जाता है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि सरकार आपके द्वार, आपकी योजना सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है, इसमें पहले जो आवेदन मिले थे उसके बारे में अभी तक विधायक को ही नहीं पता, पार्टी को ही नहीं पता, तो जनता को कैसे पता चलेगा? कितने आवेदनों पर सुनवाई हुई, कितने आवेदन पूरे किए गए, कितने मामले आज भी लंबित हैं, धरातल पर नहीं उतरे हैं, इसकी डिटेल खुद विधायक लोबिन हेम्ब्रम मांग रहे हैं। गंभीर है मामला निश्चित तौर पर। झामुमो के आला कमान को इस पर विचार करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये फजीहत तो करवाता ही है। बहरहाल, इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी राकेश। राकेश, गुरु जी के संघर्ष के साथ ही अचानक बागी बनते जा रहे हैं, बागी विधायक के नाम पर उनका नामांकन भी हो चुका है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि सरकार में अनुभवी लोगों को तवज्जो नहीं देने की परंपरा बनती जा रही है? राकेश, देखिए, इस पूरे सरकार के अगर 4 साल के टेन्योर को देखें, अब तक के कार्यकाल को देखें, तो इस 4 साल में लोबिंदा जो है एक तरीके से हाशिए पर है, सरकार में भी है, सत्ता में भी है, लेकिन जिस तरीके का उनका तेवर रहा है और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वो हाल के दिनों में करते आ रहे हैं, मसलन अगर 1-1.5 साल पहले की बात करें तो वो लगातार सरकार के खिलाफ ही बगावती तेवर उनका रहा है और उसी तेवर के साथ अपनी बातों को वो रखते आ रहे हैं। आज भी वो उन्होंने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई मुद्दों पर उन्होंने एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की है। मसलन अगर आप बात करें तो सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का मसला उन्होंने उठाया कि सीएनटी एक्ट के उल्लंघन कर यहाँ जमीन जो है वो धड़ल्ले से उसकी खरीद बिक्री हो रही है। इसके अलावा टीएसी को लेकर जो बैठक हुई, और अभिषेक आपकी भी जानकारी में होगा कि लगभग 1 साल के बाद टीएसी की बैठक हुई है, तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये कहा है कि इतनी जल्दबाजी में टीएसी की बैठक क्यों, आखिर 1 साल का वक्त पहले ही आप ले चुके थे, फिर इतना आपने तत्परता टीएसी को लेकर क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? तो कई सवाल हैं और लगातार इन सवालों के साथ लॉबिंग हेमरम जो है वो सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सरकार में शामिल एक विधायक हाशिए पर है, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला हो गया है राकेश, की लोबिन हेम्ब्रम ने आज ये घोषणा कर दी है कि वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, तो उनके विधानसभा क्षेत्र बोरियो में कार्यक्रम होगा कैसे? बिना विधायक के कार्यक्रम होगा? देखिए, आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार का जो तीसरा फेज है अभिषेक, जिसकी शुरुआत 24 तारीख से संथाल से मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, पाकुड़ जिले से इसकी शुरुआत होगी, तो लॉबिन हेम्ब्रम ने साफ तौर पर कहा है कि बतौर विधायक इस कार्यक्रम में जो भूमिका होनी चाहिए उनकी वो भूमिका नहीं रहेगी, वो इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रख रहे हैं। और उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि जो 2 टर्म में जो आवेदन आए और जिस बात का जिक्र सरकार की तरफ से सरकार के मंत्री लगातार करते रहे हैं, दावे करते रहे हैं कि लाखों मामलों का इस अभियान के तहत जो है वो निष्पादन किया गया है, तो उनको लगता है कि ये सब महज खानापूर्ति है, कागजों में ही आंकड़े हैं, धरातल पर बहुत चीजें जो है वो अभी भी आप कह सकते हैं कि दूर है, जो फैक्ट है वो दूर है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार को आंकड़ा जाहिर करना चाहिए, जारी करना चाहिए कि भाई जो 2 फेज हुए उसमें कितने आवेदन आए, तमाम जिलों से जो आवेदन आए उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या तत्परता दिखाई गई, कितने आवेदनों का निष्पादन किया गया, तो ये एक जो आंकड़ा है वो आंकड़ा तमाम विधायकों को मिलना चाहिए, खासतौर पर सत्ता पक्ष के जो विधायक है उनको ये आंकड़ा मिलना चाहिए ताकि वो इस बात को अपने क्षेत्र में रख सके। तो यही वजह है कि देखिए, जब नाराजगी होती है ना अभिषेक, तो हर मसले पर नाराजगी होती है, हर स्तर पर नाराजगी होती है, और आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा मसला हो जिस पर लॉबिन हेम्ब्रम बीते कई सालों से मुखर होकर सरकार को घेरते रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी घेरते रहे हैं, विधानसभा के बाहर भी घेरते रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी घेरते रहे हैं, और जब भी वो रांची आते हैं, रांची में कोई कार्यक्रम करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो निशाने पर उनकी ही सरकार होती है। तो इस बार भी उनकी सरकार निशाने पर है, खासतौर पर
तो राकेश सरकार सरकार भी तो रहे रहे उनको निशाना बनाती है। लोबिन हेमब्रम के विधानसभा क्षेत्र में 200 बेड का अस्पताल बनना था, प्रस्ताव पारित था, उसके बावजूद वो अस्पताल वहां से छीन कर महगामा चला गया। राकेश, देखिए वो एक बड़ा इशू हुआ था और उसको लेकर लोबिन हेमब्रम लगातार आक्रामक भी थे, खासतौर पर दीपिका पांडे को लेकर भी उनकी आक्रामकता देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर भी वो कई बार सार्वजनिक मंचों से बयान दे चुके हैं इस मसले पर, और उनको उम्मीद थी कि ये जो सीसीएल की तरफ से जो 200 बेड का जो अस्पताल बन रहा है, जो पहले प्रस्तावित था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बनना है यानी बोरियो में बनना है, वो अब महगामा में शिफ्ट हो गया है, तो उसको लेकर वो आक्रामक रहे हैं। राजभवन से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं विजय हांसदा, उनको लेकर भी वो काफी आक्रामक रहे। उनको लगता है कि ये जो शिफ्टिंग का जो काम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं राजमहल के जो सांसद है विजय हांसदा, उनकी बड़ी भूमिका है, तो उनको लेकर भी वो आक्रामक रहे हैं। तो कई ऐसे मोर्चे हैं, कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर लगातार लोबिन हेमब्रम आक्रामक रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। आप देखेंगे कि 15 तारीख से फिर से के घटक दलों में एक या यह कह ले प्रमुख घटक दल झामुमो के विधायक का यह बागी तेवर कि उनका यह कह जाना कि सरकार की सारी योजनाएं ही धरातल पर नहीं उतर रही, सरकार की जो सोच है वो गलत है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए। टीएससी ने अभी आदिवासी जमीन पर जो है थानों की बाध्यता समाप्त की थी, जिले विस्तार किया था थानों की बाध्यता में, उसको लेकर उन्होंने कह दिया कि टीएससी को तो फुटबॉल बना दिया गया है। सरकार में शामिल पार्टी के विधायक का यह कहना, इतने बड़े बड़े बयान आना, राकेश आपसे अंतिम और सीधा सवाल, क्या झामुमो में सेंधमारी की बू आ रही है? ऐसा कोई मसला नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, लोबिन दा को झारखंड मुक्ति मोर्चा बखूबी समझती है और उनको लगता है कि जो शायद जो चीजें उनको मिलनी चाहिए, देखिए 5-6 टर्म से ज्यादा के विधायक हैं वो, लेकिन उनको उम्मीद थी कि सरकार में शायद उनको मंत्री बनाया जाएगा, मंत्री पद का ऑफर मिलेगा, लेकिन वो चीजें हुई तो एक नाराजगी वहां से भी शुरू हुई। तमाम जो आयोग हैं उसमें भी उनको जगह नहीं मिल पाया। वरिष्ठ विधायक हैं, गुरुजी के संघर्ष के साथी रहे हैं और गुरुजी को ही अपना आदर्श भी मानते हैं और उन्हीं के आदर्श पर ही अपनी पॉलिटिक्स को वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए वो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, चाहे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मसला हो, ये तमाम चीजें झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी मैनिफेस्टो में था। 2019 के चुनावी मैनिफेस्टो को अगर आप देखें तो इन तमाम चीजों का जिक्र था और ये कहा गया था कि जब उनकी सरकार बनेगी सत्ता में जब वो आएंगे। लोबिन चुनावी मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं जिसको लेकर, जिन एजेंडों को लेकर झामुमो ने चुनाव लड़ा और लोबिन उसी का हिसाब किताब मांग रहे हैं। राकेश कह रहे हैं कि झामुमो लोबिन दा को अच्छे से समझता है, उसके बावजूद भी लोबिन दा के बागी तेवर है कि थमने का नाम नहीं ले रहे और आए दिन सियासत गर्म हो जाती है लोबिन दा के बयान से। उनके बयानों की सच्चाई पर हम नहीं जाएंगे, पार्टी का अंदरूनी मसला है, पार्टी को खुद सुलझाना चाहिए, लेकिन बात जब बाजार में आ जाए तो पूरे राज्य में संदेश खराब जाता है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।